कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किरण चौधरी के कांग्रेस में भविष्य न होने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी को जहां भविष्य ठीक लगे वहां देख लें, मीडिया के सामने ऐसे बयानबाजी ठीक नहीं होती है। 26 जून को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, वहां पर अपनी बात कह सकती हैं। अगर उनको भविष्य ठीक नहीं लगता तो जहां भविष्य सुरक्षित लगता है वहां देखें। यहां कोई कांग्रेस नेतृत्व से कोई क्वेश्चन, पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी MLA, तुम भी MLA, तुम भी MLA। तो जो है टिकट की, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, बाकी जो है उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो सारे खड़े होकर 1000, 2000, 3000 जिस लाइक भी होंगे वो उतनी वोटें वो खराब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो हैं कैंडिडेट मिलेंगे। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। अगर उनको भविष्य ठीक नहीं लगता तो जहां भविष्य सुरक्षित लगता है वहां देखें। यहां कोई कांग्रेस नेतृत्व से कोई क्वेश्चन करना है तो 26 तारीख को प्रॉपर प्लेटफॉर्म में वहां अपनी बात रखें। मीडिया में इस तरह की बात करना वो उचित नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व के फैसलों पर टीका टिप्पणी करना किसी भी कांग्रेस के नेता के लिए उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे कुछ सबक लेते हुए अपने सही ठीक से बात करें, प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर करें।